नमस्कार दोस्तों, मैं लगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ मैंने मनी प्लांट रखे हुए हैं। मनी प्लांट पर कमेंट में आया था कि आप इसकी केयर बताएं, मेरा मनी प्लांट के पत्ते खराब हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, साइज बड़े नहीं हो रहे हैं, वगैरह वगैरह करके ढेरों प्रश्न आते चले गए हैं और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था इस पर ध्यान देने का। तो आज मुझे मौका मिला, मैंने सोचा चलो मैं एक साथ 3-4 कमेंट का जवाब दे देती हूँ। तो दोस्तों, ये मनी प्लांट जो है, इसके बारे में मैं आपसे शेयर कर दूँ। इसे आप सॉइल में भी लगा सकते हो और पानी में भी लगा कर रख सकते हो। ये लत्तर वाली वेल है, ऊपर की तरफ बढ़ने वाली होती है। आप देख रहे होंगे मैंने इसमें डंटल लगा के रखे थे, लेकिन अब इससे भी बड़ी ये हो रही है। तो मैंने एक यहाँ पर रखा है, इस पर मैं चढ़ाने के लिए इसको यहाँ डाल दी हूँ ताकि ये इस पर आगे चढ़ सके। तो दोस्तों, ये लत्तर वाली बेल है, इसका संबंध लोग पैसे से भी जोड़ देते हैं कि मनी प्लांट जहाँ पर बढ़ता है वहाँ पैसे काफ़ी आते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी केयर ये है कि इसे धूप, डायरेक्ट धूप में न रखें, वरना इसके पत्ते पीले हो जाते हैं या जल जाते हैं। इसको या तो आप इंडोर में भी रख सकते हो, या फिर आप इसको छाए वाली धूप, कोई बड़ा सा पेड़ आपके पास हो या दूसरे पेड़ की छाए बन रही हो तो उसके नीचे इसको रखें। पहली केयर इसकी यही करनी है। दूसरी केयर है कि इसकी ड्रेनेज, जो आप मिट्टी देख रहे हो, इसकी ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। ड्रेनेज अच्छी नहीं होगी तो पानी इसमें रुक जाएंगे और इसके रूट खराब हो सकते हैं। तो आप ड्रेनेज अच्छी रखने के लिए आप अपने सॉइल में रेत यानी सैंड मिला ले सकते हो। अब तीसरी केयर की बात करें तो इसके पानी इसे पसंद है, काफ़ी पसंद है, इसलिए इसके सॉइल को आप टच करके देख लिया करो। अगर ये पानी आपको हाथ में लगती है, देखो अभी लग रही है, तो बारिश अभी हुई है, उसकी पानी है, तो आप इसके सॉइल को गीली रखा करो, गीली यानी नम रखा करो। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं, जमा होने वाली पानी नहीं रखनी है आपको। दोस्तों, अब जो मैं बात करने वाली हूँ आपसे, धूप हो गया, सॉइल हो गया, पानी हो गया, अब इसकी बात जो मैं करने वाली हूँ इसके फर्टिलाइज़र की है। वैसे तो इसे गोबर की खाद भी दे दोगे तो चलेगा, लेकिन मैं इसकी क्योंकि केयर पूछी गई है, बहुत सारे प्रश्न इस पर थे, तो मैं इस बात को थोड़े डिटेल में जाकर आपसे शेयर कर देती हूँ कि दोस्तों, इसे 1 लीटर पानी में 19-19-19 फर्टिलाइज़र जो है उसका 1 चम्मच डालकर घोल कर इसके पत्ते पर आप डाल दें, इसके पत्ते पर आप छिड़क दें, डाल दें मतलब छिड़क दें। और ये काम आप 15 दिनों के बाद किया करें तो फिर देखें आप आपका मनी प्लांट कितना अच्छा रहता है। दोस्तों, अभी तो इसके ग्रोथ का समय है, ग्रोथ ये कर भी रहा है, काफ़ी ग्रोथ ये किया है। अभी आप देखोगे मेरे यहाँ इस तरह से ये चारों तरफ बढ़ते जा रहा है। तो आप अभी ग्रोथ का टाइम है इसका, तो आप अभी इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हो। वैसे जाड़े में मैं आपसे शेयर कर दूँ कि इसका ग्रोथ रुक जाता है, तो जाड़े में जब इसका ग्रोथ रुक जाए उस समय आप इसको फर्टिलाइज़र ना दें। अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर में आप इसमें फर्टिलाइज़र देकर, फर्टिलाइज़र में आप गोबर की खाद भी दे सकते हो, 19-19-19 भी दे सकते हो, या फिर आपके पास अगर अवेलेबल है केचुआ खाद या पत्ते की खाद तो वो भी दे सकते हो। ये सब डालने के बाद सितंबर में डालकर इसके बाद इसे छोड़ दें। जाड़े में इसको ज़्यादा ना तो आपको पानी देनी है और ना ज़्यादा इसको खाद देनी है। दोस्तों, एक बात मैं और आपसे यहाँ शेयर कर दूँ कि आप यहाँ देख रहे होंगे पत्ते, तो स्नेल जो होते हैं वो इसमें मेरे यहाँ भी आ गए हैं कुछ, क्योंकि मैं उसको पेस्टिसाइड वगैरह से मारती नहीं हूँ। एक सेल वगैरह से मैंने आपसे वीडियो शेयर की हुई है, आप देख सकते हो। एक सेल डालने से
भी वो आता नहीं है क्योंकि उसको एक सेल छुप जाता है, तो वो सब डाल देती हूँ, लेकिन एक भी हम लोग खाते नहीं हैं, इसलिए उसकी भी कमी मेरे यहाँ हो जाती है। तो मुझे हाथ से उसको चुन करके अड़ता फेंकना पड़ता है, क्योंकि मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे मारने वाले लोग नमक वगैरह डाल के भी इसको मार देते हैं। तो ये मेरा पत्ते को खा रहा है, आप देख रहे होंगे, तो इससे बचाने की इसको कोशिश करें। और साथ ही जो इसके ब्रांच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं इस तरह से, तो आप समय समय पर इसकी काट छाँट जरूर करते रहें, नहीं तो यह बेतरतीब बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा और आपको ये परेशान करके रख देगा। इतना बढ़ता है कि इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। साथ ही दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये पत्ते जो आप देख रहे हो, अभी तो बरसात के कारण ये धुल जा रहे हैं, लेकिन जब बरसात का समय नहीं हो तो पानी ऊपर से डालने से बेहतर है। पानी ऊपर से डालोगे, पानी रुकेगा, और रुकने के बाद फिर इसमें फंगस वगैरह लगने का भी डर रहेगा। इसलिए आप कपड़े लो और कपड़े से को भिंगा कर, कॉटन कपड़े से भिंगा कर इसको साफ़ कर दिया करो, तो इसके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, काट छांट इसको कर देनी है। और पुराने सरे गले पत्ते आपको दिखाई दें तो उसको आपको तोड़ के हटाते रहने हैं, जैसे ये देख रहे हो। तो इस तरह से आप इसकी केयर करोगे तो आपके मनी प्लांट काफ़ी बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरे पास जो कुछ भी था मैंने शेयर किया है। अगर अच्छी वीडियो लगे तो ज़रूर आप भी शेयर कर दो। मैंने शेयर कर दी, मेरा काम यहाँ पर हो गया। अब आप शेयर कर दो ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल सके। और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब तो करनी ही है, मैं जानती हूँ कि लाइक तो आप करोगे ही, क्योंकि आपके ही प्रश्न थे, आपके ही कमेंट के उत्तर में मैंने इसे डाली है। लेकिन अगर सब्सक्राइब ही नहीं किए हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है मेरा। चलो, तो इसी के साथ मैं चलती हूँ और फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।